नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल रिव्यू बाजार में एक बार फिर से। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन सिनेमा को सबसे ज्यादा 100 करोड़ी फिल्म देने वाले सुपरस्टार्स के बारे में। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। तो दोस्तों इस लिस्ट की शुरुआत होती है यहाँ पर बॉलीवुड के पहली 100 करोड़ी फिल्म देने वाले सुपरस्टार आमिर खान से। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्टनिस्ट आमिर खान ने अब तक अपने फिल्मी कैरियर में 6 से ज्यादा 100 करोड़ फिल्में दी है और इस तरह से ये इस लिस्ट में रहते हैं नंबर 5 पर। दोस्तों इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है यहाँ पर बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान का। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इंडियन सिनेमा को कई सारी ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुके शाहरुख खान इस लिस्ट में रहते हैं नंबर 4 पर, जिनके नाम पर 7 फिल्में 100 करोड़ में शामिल है। इनकी लास्ट फिल्म जीरो ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 92 करोड़ की ही कमाई की थी, वहीं उनकी लास्ट 100 करोड़ की फिल्म थी रईस। बात की जाए यहाँ पर अब नंबर 3 की, तो दोस्तों इंडियन सिनेमा के मास महाराजा कहे जाने वाले सुपरस्टार अजय देवगन इस लिस्ट में नंबर 3 पर रहते हैं, जो कि इंडियन सिनेमा को अब तक 11 से ज्यादा 100 करोड़ी फिल्म दे चुके हैं, जिसमें उनकी सिंघम 3, गोलमाल और कई सारी और फिल्में हैं। उनकी लास्ट फिल्म आई थी तानाजी, जिसने कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 280 करोड़ से ज्यादा की कमाई की और यह फिल्म अजय देवगन के कैरियर की सबसे बड़ी फिल्म बनी। इन्होंने अब तक टोटल 11 फिल्में 100 करोड़ के क्लब में शामिल करवाई है। वही दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 2 पर नाम आता है बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार का। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आज के समय में इंडिया के सबसे चहेते सुपरस्टार बन चुके अक्षय कुमार इस लिस्ट में नंबर 2 पर रहते हैं। इनके आने वाली हर फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हो रही है और दोस्तों इन्होंने भी अपने फिल्मी कैरियर में अब तक 15 से ज्यादा फिल्में 100 करोड़ में शामिल करवा चुके हैं, जिसमें उनके पिछले साल रिलीज होने वाली चारों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। दोस्तों बता दें आपको कि सुपरस्टार अक्षय कुमार के पास इस साल एक बड़ा चांस है, वो इस लिस्ट में नंबर 1 पर भी आ सकते हैं। वहीं दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 1 पर रहते हैं बॉलीवुड के सुल्तान और टाइगर जिंदा है जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म दे चुके सुपरस्टार सलमान खान का। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान के नाम अब तक सबसे ज्यादा 100 करोड़ी फिल्में हैं। ये इकलौते ऐसे सुपरस्टार है जो कि इंडियन सिनेमा को अब तक 16 से ज्यादा 100 करोड़ी फिल्में दे चुके हैं, जिनमें उनकी लास्ट फिल्म रही थी दबंग 3। दोस्तों दबंग 3 को ऑडियंस ने नकार दिया था, उसके बाद भी ये फिल्म 100 करोड़ के क्लब में शामिल हुई थी। इन्होंने लगातार 12 फिल्में 100 करोड़ के क्लब में शामिल करवाई है और इससे ही पता चल जाता है कि सुपरस्टार सलमान खान का इंडिया में कितना स्टारडम है। इस तरह से दोस्तों सलमान खान इस लिस्ट में रहते हैं नंबर 1 पर, नंबर 2 पर रहते हैं यहां पर अक्षय कुमार और नंबर 3 पर रहते हैं यहां पर अजय देवगन। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या अजय देवगन और अक्षय कुमार सलमान खान को इस साल पीछे कर पाएंगे या नहीं? आप हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।